अब आप देखिए, सुन लीजिए, देखिए, जैसे ही आप अपने आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपके ये ड्यूल लॉगिन है। एक्चुअली आजकल इंडियन पासवर्ड जो है ये कॉन्फिडेंशियल है, ड्यूल लॉगिन है। आप पहली बार आईडी पासवर्ड डालेंगे, ये एक लॉगिन हो गया। अब आपके विद्यालय के मेल पर ओटीपी जाएगा। जब आप इस ओटीपी को डालेंगे, यानी अगर मुझे पासवर्ड पता भी है तो मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेल का ओटीपी जब तक आप नहीं बताएंगे। मेल का ओटीपी बताएंगे आपके पास है एक्सेस, विद्यालय में होगा कोई आपका एडीएल कोड, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला, आपके विद्यालय का मेल पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ डालेंगे, साइन हो जाएगा हमारा। ये देखिए साइन हो गया ये। अब यहाँ ये डैशबोर्ड बहुत सारे चरणों में काम करता है। हम यदि होम में जाएंगे इसके, तो ये हमको ये दिख जाएगा कि हमारे विद्यालय का नाम क्या है, यूडाइस कोड क्या है और पीएफएमएस आईडी क्या है। यहाँ नीचे आपको प्रिंसिपल की जानकारी मिल जाएगी, एटीएल इंचार्ज की जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। आपकी रिपोर्ट जून तक की भरी गई है, अब बड़ी जल्दी आप जुलाई की मैं भर देता। चलिए, तो अब यहाँ से हमको जब एटीएल डैशबोर्ड में मंथ की रिपोर्ट सबमिट करनी, तो सबमिट रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ईयर, तो ध्यान रखना ईयर आपको 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। इसके पहले का आपने नहीं भरा कोई दिक्कत नहीं, ओपन ही नहीं होगा। हमने 24 सिलेक्ट कर दिया, मंथ अपने आप ले लेगा जहाँ तक आपने भरा होगा। यदि 2023 में आपने भरा है 1 जनवरी से, तो अपने आप लेगा। अगर नहीं भरा तो आपका सीधे जनवरी निकलेगा 2023। जैसे इन्होंने जून तक का भर लिया है, ऑटोमेटिक इनका देखिए जुलाई के पहले बिल्कुल नहीं खुल रहा, समझ गए। जहाँ तक आपने भर दिया वो ऑटोमेटिक लेगा। ये हमने जुलाई सिलेक्ट किया। ये तो सबसे पहले पूछेगा आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कॉलम रहेंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एटीएल। तो आप अपने विद्यालय की कम से कम संख्या 200 के आसपास डालिएगा। सुन लीजिए, मेरी नोट कर लीजिए अच्छे से, 200 के आसपास आप अपनी संख्या डालिएगा। सरकार को आप अच्छे जाए। नंबर ऑफ कम्युनिटी स्टूडेंट यूजिंग एटीएल, यानी दूसरे विद्यालयों के बच्चे, तो कम से कम इसकी संख्या आप 90-110 इसके आसपास डालिएगा। उसको हमें दिखाना अच्छा करने के लिए ना, मैं दोनों पॉइंट पर काम कर रहा हूँ, ईमानदारी को है साथ साथ हमें बचना भी है सरकार। तो कम से कम आप यहाँ पर 2 वर्कशॉप डालेंगे मिनिमम, महीने को 2 डाल दीजिएगा। नंबर ऑफ एटीएल मैट्रिक सेशन कंडक्टेड 1 तो आपसे मिनिमम डालना ही है। टोटल नंबर ऑफ इनोवेशन प्रोजेक्ट कम से कम 5, मिनिमम 5। टोटल नंबर ऑफ पेटेंट कॉपीराइट अप्लाइड 0, बिल्कुल 0 करिएगा इसको। टोटल नंबर ऑफ पेटेंट कॉपीराइट ग्रांटेड 0। नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटेड इन एटीएल कॉम्पिटिशन, तो ध्यान रखिएगा एटीएल कॉम्पिटिशन का मतलब यहाँ पर मैराथन से है, इंस्पायर अवार्ड, मानक अवार्ड, आपके विद्याभारती की प्रतियोगिताओं से नहीं है। कौन कौन सी? इंस्पायर, मैराथन, मानक, ऐसी अवार्ड प्रतियोगिताएं, अगर उनमें सम्मिलित है तो लिखिएगा, अदरवाइज सीधे 0 डालिएगा। नंबर ऑफ विनर इन एटीएल कॉम्पिटिशन 0। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इन अदर कॉम्पिटिशन, अदर में आप डाल सकते हैं 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ज्यादा मत डालिएगा। नंबर ऑफ विनर इन अदर कॉम्पिटिशन यदि हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं। नीचे पूछेगा, नीचे एक और चीज पूछेगा कि क्या आपकी सलाहकार समिति की बैठक हुई है, तो आप उसमें यस डालेंगे। उसके बाद एक और चीज पूछेगा कि डू यू हैव सबमिटेड इन यूसी पोर्टल। मेरी बात सुनिएगा सभी लोग, नीचे एक कॉलम रहेगा, क्या आपने यूसी पोर्टल पर सबमिट की है, तो आपको बिल्कुल यस पर जाना है, नो टिक मत करिएगा, ठीक है। यस पर जाइएगा, बिल्कुल सबमिट कर देंगे आप। उसके अलावा ना तो आपको फोटोग्राफ डालना है,
ना कोई वीडियो की लिंक डालना, कुछ नहीं पूछेगा। इतने कॉलम को मैंने बता दी, नीचे एक चीज आपसे पूछेगा यूसी के बारे में, यूसी आपको यस करना है, पूछता है ना। नहीं तो वो आपसे साल भर में एक ही बार पूछेगा ना, साल भर के ही पूछ। नहीं आप उसको हमेशा यस डालिए, आपने यूसी सबमिट करी हमेशा यस जाएगा, ठीक है। बस इतना करने के बाद में हम सबमिट कर देंगे।